नमस्कार जय श्री कृष्ण नमस्कार मनीषा जी नमस्कार सर नमस्कार कैसे कोई भी नहीं है क्लास में हाँ कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग चली जाएगी लोगों पे क्योंकि फिर हम पिछड़ रहे हैं ना काफी दिक्कत हाँ हो जाएगी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे प्रमोशन के बारे में और ट्रांसफर के बारे में हाँ जी मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन उससे आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे शायद सब ज्वाइन कर लेंगे हाँ कर लेंगे धीरे धीरे कोई दिक्कत तो नौकरी के अंदर अभी हम लोगों ने नौकरी कार्यधारक ग्रह वगैरह सब ये पढ़ लिए हैं अब हमारा मेन आता है कि प्रोफेशन में कैसे ये देखे कि ट्रांसफर या प्रमोशन कब होगा हालांकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हिंट दे देता हूं कि कैसे देखना चाहिए स्पेशली फॉर प्रमोशन और स्पेशली फॉर ट्रांसफर प्रमोशन के लिए देखिए नौकरी में परिवर्तन स्थानांतरण और प्रमोशन ये तीन कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है नौकरी में परिवर्तन के लिए लगन से छठा और एकादश आपको प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों का बता रहा हूं मैं लगन से छठा और एकादश भाव ये जो मैंने लिखे हैं पांच कैटेगरी लिखी है पांच पॉइंट ये पांच पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे जब आप कुंडली में नौकरी में परिवर्तन देख रहे हो स्थानांतर देख रहे हो या प्रमोशन देख रहे हो तो ये पांच चीजें आपको देखनी है कौन कौन सी लगन से छठा और एकादश भाव यानी छठा भाव और ग्यार भाव दशम से छठा और एकादश भाव लगन से पंचम और दशम से अष्टम भाव लगन लगन से नवम दशम से द्वादश भाव और सूर्य और गुरु ये कैसे ये कैसे देखने हैं ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहां समझाता हूं के लगन से छठा लगन से छठा भाव जो होता है वो बेसिकली दसवें से नवा भाव होता है और दशम से नवम का कार्य मतलब यह है कि दशम के भाग्य को दर्शाता है वो वो बताता है कि कार्य का भाग्य कैसा है और संघर्ष करके हम लोग भाग्य अच्छा बनाते हैं इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है तो यहां पर स्थित ग्रह यानी लगन से छठे भाव में स्थित ग्रह पर या वहां पे दृष्टि डालने वाले ग्रह या वहां के ग्रह स्वामी की दशा में परिवर्तन संभव है लगन से छठे वाले भाव में तो यहाँ पर भी परिवर्तन संभव होता है ये आपको ध्यान रखना है यहां किया गया परिवर्तन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है और अगर छठे स्थान का स्वामी लगन का मित्र हो तो संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है तो लगन से छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा में यदि परिवर्तन होता है तो वो संघर्ष में हो सकता है लगन से एकादश यानी दशम से दूसरा स्थान लाभ स्थान में हम ले लेते हैं लगन से एकादश स्थान तो दशम से दूसरा यानी लगन से एकादश स्थान में बैठे ग्रह दृष्टि डालने वाले ग्रह या स्वामी की दशा में प्रमोशन की संभावना अधिक होती है किसी का प्रमोशन हो किसी की बात चल रही हो प्रमोशन की तो देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्यारहवें भाव में बैठे ग्रह की ग्रह या ग्यारहवें भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह या ग्यारहवें भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही है अगर प्रमोशन अगर दशा चल रही है तो प्रमोशन होंगे चांसेस हो जाएंगे और दशा को फिर एक बार गोचर में चेक कर लीजिए कि दशा कहीं ऐसी तो नहीं है कि पीड़ित तो नहीं है दशानाथ जो है जो भी दशानाथ है वो कहीं पीड़ित तो नहीं है ये गोचर में एक बार चेक कर लीजिए बस इतना आपको देखना है तो आप कह सकते हैं आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर लगन से दूसरे भाव में यानी लगन से एकादश भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही हो या उसमें दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा हो या वहां के स्वामी की दशा हो तो प्रमोशन की संभावना अधिक होती है आप कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाएगा बशर्ते कि अंतर दशानात या प्रत्यंतर दशानात जो भी है वो आपका गोचर में बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो दशम से छठा स्थान ये भी बहुत है क्योंकि दशम से छठा स्थान क्या दिखाएगा दशम से छठा स्थान दिखाएगा दशम का संघर्ष ये तीसरा स्थान कहलाता है तो तीसरे स्थान के भाव में तीसरे स्थान में बैठे ग्रह दशम से छठा स्थान जो होता है वो लगन से तीसरा स्थान होता है तो वहां पर बैठे ग्रह वहां पर देखने वाले ग्रह या वहां के स्वामी की दशा में भी परिवर्तन संभव है ये हम इसको ध्यान रखेंगे यहाँ परिवर्तन और स्थानांतरण होता है अगर दशम से छठा स्थान यानी लगन से तीसरे स्थान में बैठे ग्रह की दशा है या वहां देखने वाले ग्रह की दशा है या वहां के स्वामी की दशा है तो भी परिवर्तन और स्थानांतरण आपका प्रॉसिबल है हो जाता है दशम से एकादश स्थान यानी लगन से अष्टम स्थान अब दोनों में डिफरेंस है देखिए यहाँ पे है दशम से छठा स्थान दशम छठा स्थान मतलब यह है कि दशम से छठा स्थान लगन से तीसरा स्थान होता है अगर यहां बैठे ग्रह की दशा में या यहाँ देखने वाले ग्रह की दशा में या यहाँ के स्वामी की दशा में आपका ट्रांसफर होता है तो वो थोड़ा कष्टकारी होता है क्योंकि वो दशम से छठा भाव है संघर्ष का भाव है तो वो थोड़ा कष्टकारी ट्रांसफर होता है मतलब ट्रांसफर तो होगा आपका लेकिन आप कह सकते हैं कि आपके मन मुताबिक ट्रांसफर वो शायद ना हो पाए क्योंकि दशम से छठा भाव की दशा में आपका ट्रांसफर हुआ है लेकिन ये इसके विपरीत दशम से ग्यारहवें भाव की दशा में ग्यारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में या उसको देखने वाले स्वामी की दशा में या उसको उसके स्वामी की दशा में अगर ट्रांसफर होता है तो वो आपके लाभ को दर्शाता है क्योंकि तो दशम से ग्यारहवा हुआ यानी लगन से आठवां हुआ तो लगन से आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में यदि ट्रांसफर होता है या वहां दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा में ट्रांसफर होता है या वहां के स्वामी की ग्रह दशा में ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर जो होता है प्रमोशन वाला होता है उसमें आपको इंक्रीमेंट मिलेगा कोई आता है आपके पास बंदा रात तक पूछता है कि जी मैं नौकरी चेंज कर नौकरी मेरी चेंज करने की सोच रहा हूँ तो क्या मुझे अच्छा जंप मिलेगा तो आप देखिए कि नौकरी चेंज करने की वो सोच रहा है तो क्या दशम से एकादश यानी लगन से अष्टम स्थान में बैठे ग्रह की दशा चल रही है या लगन से अष्टम स्थान में दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा चल रही है या लगन से अष्टम स्थान में बैठे का स्वामी की दशा चल रही है अगर चल रही है तो आप कह सकते हैं कि इस दशा में जो आप परिवर्तन करेंगे वो आपका लाभकारी होगा और आपको प्रमोशन दिलाएगा इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है आपको इंक्रीमेंट दिलाएगा क्योंकि ये लगन से भले ही आठवा हो बट ये दसवें भाव से ग्यारहवा भाव दसवें भाव का लाभ तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रमोशन ट्रांसफर के लिए तो अब हमने तीन दो भाव दो भाव तो पकड़ ही लिए तीसरा भाव ट्रांसफर दिलाएगा उसके भाव में बैठे ग्रह की दशा उसको भाव को देखने वाले ग्रह की दशा उसके उसके भाव उसको स्वामी की दशा ट्रांसफर दिलाएगी लेकिन वो ट्रांसफर आपका बहुत अच्छा नहीं होगा मतलब ठीक है आपका चेंज कराएगी नौकरी भी चेंज कराएगी ट्रांसफर भी कराएगी लेकिन जंप वगैरह नहीं होगा लेकिन अगर लगन से आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में या उसको देखने वाले ग्रह की दशा में या उसके स्वामी की दशा में ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है तो वो आपको जंप देने वाला प्रमोशन कहलाएगा क्योंकि दशम का लाभ बन जाता है लगन से आठवां भाव लगन से पंचम और दशम से अष्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए लगन से पंचम भाव जो होता है वो दशम से अष्टम भाव होता है लगन से पंचम भाव हमारा यानी दशम से अष्टम भाव का भी रोल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो लगन से पंचम भाव होता है पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है तो अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो हमको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है कई बार क्या होता है कि लोग होते हैं लाइन में दस लाइन लोग लाइन में होते हैं एक किसी एक को प्रमोशन मिलता है तो कहते यह है कि भाई सबके नंबर अच्छे हैं मेरिट में सब अच्छे हैं परफॉर्मेंस भी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट परफॉर्मर को ना मिलकर सेकंड परफॉर्मर को या थर्ड परफॉर्मर को प्रमोशन मिल जाता है तो वहां पे पूर्व जन्म का रोल बहुत आता है प्रारंभ का रोल बहुत आता है तो इसलिए कहते हैं कि लगन से पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा में अगर प्रमोशन होता है लगन से पंचम भाव आपका मजबूत है तो आपका प्रमोशन जो है वो हंड्रेड होगा ये आप जरूर चेक कीजिए कि आपका पांचवा भाव जो कि दशम का आठवां भाव है दशम का आठवां भाव का मतलब हुआ दशम की अचानक लाभ या हानि तो पांचवा भाव मजबूत है तो दशम की अचानक लाभ होगा पांचवा भाव कमजोर है तो दशम का अचानक हानि होगी तो सिंपल सा सिद्धांत है कि लगन से पंचम भाव के ऊबी आपको देखना बहुत जरूरी है प्रमोशन के अंदर अगर पांचवा भाव आपका मजबूत है तो आपके प्रमोशन होने के बहुत बहुत चांसेस है या पांचवें भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है तो प्रमोशन होने के बहुत चांसेस है ये ट्रांसफर प्रमोशन के लिए आपका इसके अंदर इतना ही फंडा इसमें आता है दूसरा इसके अंदर आता है सूर्य और गुरु को सूर्य और गुरु को प्रमोशन के दाता के रूप में देखना चाहिए सूर्य मान सम्मान का कारक है गुरु आशीर्वाद का कारक है तो गुरु के बिना आशीर्वाद के कोई भी प्रगति संभव नहीं है और सूर्य मान सम्मान देता है तो कुंडली में यह भी देख लेना चाहिए कि जब आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपका एक तो आपका सूर्य गुरु कमजोर ना हो और दूसरा सूर्य गुरु आपके गोचर में कमजोर ना हो रहे हैं अगर गोचर में कमजोर बहुत ज्यादा हो रहे हैं उस वक्त सूर्य गुरु तो भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है लेकिन वो दशा के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि सूर्य गुरु तो गोचर में हो सकता है कमजोर हो जाए उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सूर्य तो हर महीने राशि चेंज करता है वो ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाए जो कमजोर हो और प्रमोशन उसी वक्त हो रहा हो तो कम से कम कुंडली में जरूर चेक कर लीजिए कि आपका सूर्य बहुत कमजोर तो नहीं है या आपका गुरु बहुत कमजोर तो नहीं है यदि सूर्य और गुरु की दशा है और वो आठ बारह एक्सिस में है छह आठ एक्सिस में है तो प्रमोशन देर से होता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है सूर्य गुरु की दशा हो और वो छे आठ के आठ बारह गलत लिख दिया है छह आठ के एक्सिस में हो सूर्य और गुरु की दशा हो और वो छह आठ के एक्सिस में हो तो प्रमोशन देर से होता है तो हमने प्रमोशन के लिए क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा ट्रांसफर के लिए पढ़ा कि तीसरा भाव मोटा मोटा जो कि दसवें भाव का छठा भाव है कि तीसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा में तीसरे भाव को देखने वाले ग्रह की दशा में तीसरे भाव के स्वामी की दशा में अगर आपका ट्रांसफर संभव है और जो ट्रांसफर आपका होगा वो आपका इंक्रीमेंट के साथ नहीं होगा या जो भी आप नौकरी चेंज करेंगे वो इंक्रीमेंट के साथ नहीं होगा लेकिन लगन से आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में अगर ट्रांसफर होता है या आपका आप नौकरी ढूंढते हैं और दशा चल रही है लगन से आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है या उसको देखने वाले ग्रह की दशा चल रही है आठवें भाव को या आठवें भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो शर्तिया आपको नौकरी में जंप मिलेगा क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो दसवें भाव का ग्यारहवा भाव होता है यानी तो दसवें भाव का लाभ भाव कहलाता है दूसरा आपको सूर्य और गुरु को प्रमोशन के रूप में जरूर देखना चाहिए आपका सूर्य गुरु बहुत कमजोर ना हो अगर सूर्य और गुरु बहुत कमजोर है तो प्रगति संभव नहीं हो पाती गुरु को आशीर्वाद नहीं मिल पाता सूर्य गुरु की दशा अगर चल रही है बाई चांस प्रमोशन के टाइम पे हमने देखा कि दशा आपकी सूर्य और गुरु की चल रही है सूर्य की महादशा है गुरु की अंतरदशा है तो देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन दोनों में छह आठ फैक्सिस हो अगर सूर्य गुरु में छह आठ फैक्सिस होता है तो प्रमोशन देर से होता है वैसे नॉर्मली तो कोई भी दशा चल रही हो आपकी छह आठ की चल रही हो तो प्रमोशन में डिले हो जाता है आपके तीसरे भाव में आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा भी चल रही है लेकिन वो भी छह आठ का एक्सिस बना रही है तो प्रमोशन तो होगा लेकिन वो थोड़ा डिले होगा तो तीन बातें आपको याद रखनी है तीसरे से ट्रांसफर आठवें से ट्रांसफर तीसरे भाव से ट्रांसफर देखेंगे वो इतना अच्छा नहीं होता आठवें भाव से ट्रांसफर देखेंगे तो जंप मिलके होगा तीसरे भाव के दशा ग्रह की दशा में नौकरी चेंज करेंगे तो तुम्हें नौकरी तो, तो चेंज कर लोगे लेकिन बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी मतलब उसका उतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा लेकिन आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में या आठवें भाव को देखने वाले ग्रह की दशा में या आठवें भाव के स्वामी की दशा में अगर आप नौकरी चेंज करेंगे तो, तो आपको जंप मिलेगा बहुत जंप मिलेगा पांचवा भाव आपका मजबूत है प्रमोशन आपका आ रहा है अगर पांचवा भाव आपका मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा उसमें कोई डाउट नहीं है तो प्रमोशन के लिए पांचवा भाव आपका देखना जरूरी है आठवां भाव आपका देखना जरूरी है कि आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो आठवें भाव को देखने वाले ग्रह की दशा हो आठवें भाव के स्वामी की दशा हो और पांचवा भाव आपका मजबूत हो तो बहुत अच्छा है साथ में सूर्य गुरु भी अगर आपका थोड़ा मजबूत है ठीक ठाक है तो आपको प्रमोशन कोई रोक ही नहीं सकता उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं तो ये मोटा मोटा था इसके बारे में प्रमोशन और इसके बारे में ट्रांसफर के बारे में अच्छा अब ये इससे अगला टॉपिक में चलता हूं इसमें किसी को समझ नहीं आओ तो पूछ लो हेमलता आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया एक तो क्लास ना आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो दस बजे मैं भले ही जी सर आप लोग थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करोगे ना तो अच्छा रहेगा थोड़ा जी सर जी सर हाँ अच्छा अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या पढ़ लोगे इसको तो देख लो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो मैं बता देता हूँ पीडीएफ तुम्हारे पास सबके पास जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तपन भी है क्लास में आईफोन से चलिए ये पीडीएफ आपके पास मंडे कल पहुंच जाएगा तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और कोई चीज समझ ना आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा मतलब जो भी पीडीएफ जाती है उसको पढ़िए जरूर और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको पूछ लीजिए क्लास के अंत में हम लोग दस बारह मिनट का वो रखेंगे अब एक आता है राजनीति राजनीति में बहुत आते हैं अभी जब ये इलेक्शन वगैरह होंगे तो आपके पास ऐसी पत्रिकाएं बहुत आएंगी कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं मैं नेता बनना चाहता हूं मैं अच्छा नेता बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा मैं मंत्री बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा ऐसी चीजें आपके पास बहुत आती है तो राजनीति में कार्य करने की संभावना कितनी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे यदि तीन या तीन से अधिक ग्रह उच्च के हों या स्व राशि के हों किसी की कुंडली में तीन ग्रह कम से कम तीन ग्रह उच्च के हों या स्व राशि के हों तो ऐसा जातक प्रसिद्ध राजा होता है प्रधानमंत्री या मंत्री बनता ही बनता है उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं अगर किसी कुंडली में ऐसा है तो वो बनेगा देखिए दो तरीके हैं आप ये कहने लगो कि साहब मोदी जी की कुंडली में ऐसा होना चाहिए हो सकता है ऐसा हो एक होता है कि आप कितने लंबे समय बाद कितना स्ट्रगल करके कहां से स्टार्ट करके एक सिंपली पार्टी के कार्यकर्ता से स्टार्ट करके धीरे 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 पहुंचे हैं एक वो नेता होता है एक नेता वो होता है जो अचानक से बन जाता है जैसे आ, आपके जनरल वी सिंह जी हैं या आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं जो विदेश मंत्री हैं हमारे बहुत दोनों ही बहुत शानदार नेता हैं शानदार लीडर हैं, लेकिन मतलब उन लोगों ने कहीं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में शायद काम ना किया हो वो तो आर्मी में थे अब वो आईएएस ऑफिसर थे तो ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनके तीन या तीन से अधिक ग्रह उच्च के हों या स्वराशि में बैठे हों तो जातक प्रसिद्ध राजा बनता है और अगर पांच या पांच ग्रह इस स्थिति में हो जाएं तो भैया वो तो पृथ्वीपति बनता है वो तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है उसके तो कोई छोड़ दीजिए बात अल दो या दो से अधिक ग्रह दिग्बली होने से भी राजा होता है अब सूर्य मंगल किसी का दसवें भाव में बैठ गया तो सूर्य भी दिग्बली होता है दसवें भाव में मंगल भी दिग्बली होता है दसवें भाव में तो वो इंसान भी हायर लेवल पर पहुंचता है अगर किसी के दो ग्रह दिग्बली कहां कहां होते हैं आपको मालूम है पहले घर में कौन कौन सा ग्रह दिग्बली होता है बताइए सर फोर्थ में तो याद है चंद्रमा और शुक्र में सूर्य और आ, मंगल सातवें में तो सातवें पहले का कंफ्यूज है और लगन में सातवे में क्या बताया आपने सातवें में शनि शनि लगन में गुरु और बुद्ध गुरु 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 बुद्ध लगन में होते हैं तो किसी के दो ग्रह अगर मजबूत हो यानी उसे गुरु बुद्ध ही लगन में बैठे हुए हैं या उसका सूर्य मंगल ही दशम भाव में बैठा हुआ है तो भी उसके नेता बनने के चांस बहुत होते हैं कोई कुंडली लेकर आया जी मैं नेता में जाना चाहता हूं मैं नेता बन जाऊंगा तो देख लो या तो उसके तीन या तीन गति ग्रह उच्च के हों स्वराशि में हो या उसके दो ग्रह कम से कम दिग्बली हो तो उससे आप कह सकते हो कि हाँ भाई तेरी राजनीति में जाने की पूरी पूरी संभावना है तेरे दो ग्रह बली है और दिग्बली है तो तो राजनीति में जा सकता है और क्या चीज़ चाहिए राजनीति के लिए आपको कुछ नियम है राजनीति में कार्य करने की संभावनाएं कितनी होती हैं कितनी नहीं होती है ये बरा ने नियम बताए हैं बृहद जातक शास्त्र है बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है जब आप लोग थोड़ा सीख जाएंगे तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को लेके आप पढ़ें आपको बहुत फायदा मिलेगा बृहद जातक और बृहद पाराशर होरा शास्त्र ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वराहमीर जी ने वराहमीर जी जो हैं जो सूर्य के भक्त थे सूर्य भगवान के उन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है उन्होंने कहा है कि जब मंगल शनि गुरु एवं सूर्य उच्च के हों या इनमें से कोई भी लगन में हो मंगल लगन में हो शनि लगन में हो गुरु सूर्य लगन में हो तो भी नेता बनने के चांस होते हैं जब मंगल शनि एवं सूर्य उच्च के हो और या इनमें से कोई भी लगन में हो मतलब तीन ग्रह उच्च के तो हमने पीछे पढ़े लिए कि तीन ग्रह उच्च के हो या स्व राशि में हो तो जाहिर सी बात है कि नेता बनने के चांस पूरे होते हैं वो हमने पीछे पढ़ ही लिया ये भी पढ़ लिया कि दो ग्रह दिग्बली हो कुंडली के अंदर आपकी तो भी आपके ये नेता बनने के राजनीति में जाने की संभावना आपकी होती है ये कुछ और नियम है यदि लग्नाधिपति वर्गोत्तम नवांश में केंद्र में या नवम में स्थित दूसरी नवांश पति उच्च या वर्गोत्तम नवांश में हो तो भी राजनीति में जाने की लग्नाधिपति वर्गोत्तम नवांश में हो लगन का जो स्वामी है वो किस नवांश में गया हो बताइए हाँ राशि अगर लगन का स्वामी की लगन का स्वामी नवांश के अंदर भी सेम राशि में ही जाता है तो उसे वर्गोत्तम नमांश में कहते हैं। तो लगन का स्वामी वर्गोत्तम नवांश में जाए केंद्रीय नवम में स्थित हो तो बहुत बढ़िया होता है ऐसा इंसान का नेता बनने के राजनीति में जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं तो मोटे मोटे तो आप दो ही नियम लगाइए दो तीन नियम लगाइए कि दो या तीन ग्रह उसके उच्च के हों या स्वराशि के हो मोटा मोटा ले लीजिए मोटा मोटा ले लीजिए कि दो ग्रह कम से कम उसके दिग्बली हो तब उसका अच्छा नियम बन जाता है राजनीति में जाने के चांस बहुत अच्छे जाते हैं मतलब ऐसी राजनीति में जिसमें स्ट्रगल कम करना पड़े अदरवाइज तो भैया कार्यकर्ता से स्टार्ट करो अभी लड़ते रहो बीस साल बाद पच्चीस साल बाद तुम्हारा नंबर आएगा पच्चीस साल बाद तुम्हें का टिकट मिलेगा फिर तुम जाओगे तो वो तो बहुत टाइम लगता है अब एक आदमी आया और कहता है जी मैं एमएलए के लिए टिकट लेना चाह रहा हूं बनूंगा नहीं बनूंगा तो उसके लिए फिर ये वाला देखना जरूरी है और क्या देखना जरूरी है ये कुछ और नियम है यदि सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में लगन में हो मंगल मकर राशि में शनि कुंभ में हो गुरु धन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति भी नेता बनता है राज के परिवार में उत्तम व्यक्ति राजा बनता है ये भी कुछ नियम है ये भी आप चेक कर सकते हैं ये पीडीएफ आपके पास पहुंचेगा इस पीडीएफ को देखकर आप एक जस्ट एक निगाह डाल सकते हैं पत्रिका पे पर मोटे मोटे मैंने जो निगम आपको बताए वही नियम आप ध्यान रखिए ये भी आप साथ में देख सकते हैं कि भाई दो ग्रह बली हो और दो या तीन ग्रह उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो तो हंड्रेड -तो परसेंट आप कह सकते हो कि भैया तुम नेता बनोगे आप बिना एफर्ट्स के नेता बनोगे ज्यादा तुम्हारा काम नहीं रहेगा इसका नेता बनने के लिए कौन कौन से भावों को समझना जरूरी है अब आपने ये ये तो आपने देख लिया कि भाई दो ग्रह है, बलि हैं या नहीं है उच्चके हैं या नहीं है ये चीज तो आपने देख ली अब और भी चीज तो देखनी पड़ेगी आपको अब आप क्या, क्या क्या देखना पड़ेगा आपको तो आपको देखना पड़ेगा लगन को आप लगन को देखेंगे और लगन को देख के ये समझेंगे कि भाई लगन अगर आपका बलवान है अगर आपका लगन बलवान है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और राजनीति के उतार चढ़ाव को संभालने में सक्षम होगा राजनीति में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं एकदम कभी नीचे कर देते हैं कभी उसको ऊपर ले जाते हैं तो अगर किसी का लग्नेश या लगन कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति इन चीजों को सह नहीं पाता तो इसलिए नेता बनने के लिए एक पहला भाव देखना भी आवश्यक है उसका हमें ये देखना आवश्यक है कि उसके दो या दो से अधिक ग्रह उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो नंबर वन नंबर टू दो ग्रह दिग्बली हो नंबर थ्री जो मैंने तीन चार पॉइंट इसमें दिए वो वाले और नंबर चार उसका लगन और लग्नेश को भी देखना आवश्यक है कि उसका लग्नेश मजबूत होना चाहिए बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए मजबूत चले मतलब लेकिन बहुत कमजोर ना हो थोड़ा बहुत कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है बट आप अब तो ये समझ ही गए हैं कि बहुत कमजोर का मतलब क्या होता है और कमजोर का मतलब क्या होता है कमजोर हो सकता है क्योंकि सारी चीजें सही नहीं मिलती लेकिन बहुत कमजोर बहुत पीड़ित नहीं होना चाहिए लगन मजबूत है वो कैसे निकालेंगे लग्नेश कैसा है लग्नेश कहाँ गया है कहाँ बैठा है किससे दृष्ट है कारक कैसा है उसका वो देखेंगे आप लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं उच्च का बैठा है नीच का बैठा है ग्रह पे कौन सी दृष्टि है ये सब चीजें करने के बाद भाव भावेश और कारक देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि उस भाव में कितना दम है तो भाव जो है ठीक ठाक होना चाहिए मैं नहीं कहता बहुत दमदार लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए तो लगन भी ठीक ठाक होना चाहिए उसके एक सफल राजनीति के बनने के लिए चंद्रमा राजनीति में जो है ना आदमी को कुछ भी सुनना पड़ सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मानसिक क्षमता उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अब चंद्रमा का बलवान होना भी बहुत जरूरी है चंद्रमा के बलवान होने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है ऐसा व्यक्ति कुछ राजनीति में झटके खा सकता है मान लिया किसी को कोई इलेक्शन के लिए चल रहा है और वो छह वोट से हार गया अगर वो कमजोर दिल का आदमी है तो वो तो वैसे ही मतलब उसका धार हो जाएगा तो इसलिए राजनीति में चंद्रमा का देखना भी आवश्यक है कि जो राजनीति में भाग ले रहा है उसका चंद्रमा कैसा है चंद्रमा उसका कमजोर तो नहीं उसका दसवां भाव देखना भी आवश्यक है कि दसवां भाव उसका कमजोर तो नहीं है ये सब जो चीजें मैं बोल रहा हूं कमजोर का मतलब यह है कि बहुत कमजोर तो नहीं है क्योंकि दशम भाव अगर ठीक रहेगा या दशम भाव का स्वामी बलवान रहेगा तो ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक रहेगा काम करता रहेगा कर्म से पीछे नहीं हटेगा और कार्य में उसके निरंतरता बनी रहेगी लेकिन अगर दशम भाव कमजोर है तो नेता तो बन गया लेकिन काम वाम कर नहीं पाएगा वो एक आध बार एक लक्षण में चल जाएगा उसके बाद वो फ्लॉप हो जाएगा तो चंद्रमा का देखना भी आपको बहुत आवश्यक है ये मैंने आपको बता दिया भाव धन भाव को भी एक बार नजर डाल लीजिए उसके कुंडली में देखिए किस आज की डेट में नेता बनने के लिए धन आपको जरूर चाहिए बिना धन के नेता बनना बड़ा मुश्किल होता है आज के देश काल परिस्थिति में तो इसलिए आज के डेट में आज की देशकाल के देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको नेता कोई आदमी बनना चाहता है तो उसका दूसरा भाव भी चेक कर लीजिए अगर बिल्कुल फक्कड़ है तो मतलब नाइनटी नाइन परसेंट चांसेज हैं कि वो नहीं बन पाएगा बहुत ही कम ऐसा होता है कि एकदम फक्कड़ आदमी है और वो उसको उठा के नेता बना दिया तो उसी कुंडली में तो कहते हैं ना वो पृथ्वीपति वाला जो हमारा हमने बताया मैंने कि चार या पांच ग्रह उच्च के हों तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वीपति होता है शायद कोई नेता हमारे यहाँ है भी ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम जो साइकिल पे घूमते थे और साइकिल पे ही लोगों का भला करते हुए घूमते थे सब लोग काम करते थे और आज की डेट में वो हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर हैं या मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनका उदाहरण है तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि अनएक्सपीरियंस था और एकदम वो जो निकल कर आया तो वो तो वही होते हैं जो जिनके तीन या तीन से अधिक ग्रह उच्च राशि में हो स्व राशि में हो या इस तरह से चार ग्रह हो पांच ग्रह हो तो वो ऐसे लोग हो पाते हैं खाली तो भाग्य भाव भाग्य भाव स्ट्रांग होना जरूरी है आपका क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा तभी आप अच्छे राज नेता मन पाएंगे आप। आपको भाग्य का साथ मिला तो ठीक है आपको टिकट मिल गया बीजेपी से आप बीजेपी जीत जीतने वाली पार्टी है तो बीजेपी से जीत जाओगे आप भाग्य का साथ नहीं मिला ठीक है आपने तो कांग्रेस से टिकट मिल गया आपको तो वो भी डिपेंड करता है कि भाग्य का भाव कैसा है आप ये सब चीजें आपको मतलब जिस समय पत्रिका देख रहे हैं उस समय देखनी पड़ेगी नजर डालनी पड़ेगी आपको ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना है उसके आप नजर डाल लीजिए कि भैया भागे भाव बहुत कमजोर तो नहीं है इसका अगर भाव बहुत कमजोर है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको ठीक है टिकट मिल जाएगा लेकिन जो पार्टी का ये चाह रहा है उस पार्टी का टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है चौथा भाव भी देखना आवश्यक होता है चौथा भाव जनता का भाव होता है मैदनी ज्योतिष जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि चौथा भाव जो होता है वो जनता का स्थान होता है और चुनाव लड़ने के लिए जनता के संपर्क में आप जाते हैं इसलिए इस भाव का बलवान होना बहुत जरूरी है चौथे भाव का अगर किसी का चौथा भाव बहुत कमजोर है तो वो जनता के संपर्क में इतना नहीं आ पाता लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा कि नेता बन सकता है वो क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं हमारे जिनको कहीं जाके रैली में या कोई जाके बोलने की जरूरत नहीं होती लेकिन हमारे वो नेता है मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे नेता और बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं तो डिपेंड करता है कि भाई अगर आप ऐसे नेता बन रहे हैं जो मतलब बोलने वाले हैं जाने वाले हैं जनता से संपर्क करने वाले हैं तो उसके लिए तो चतुर्थ भाव भी आपका अच्छा होना जरूरी है सप्तम भाव को आप ले सकते हैं हालांकि सप्तम भाव को मत लीजिए उसका लेने की आवश्यकता आपको नहीं है बट धन भाव भाग्य भाव और चतुर्थ भाव को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है इसके लिए पंचम भाव पंचम भाव को क्यों देखना है पंचम भाव से आपने पढ़ा होगा कि पंचम भाव से मंत्री पद देखते हैं पंचम भाव आपके जन्म के कर्मों का भाव है आपका प्रारब्ध अच्छा है जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपको मंत्री पद की प्राप्ति होती है और सबसे पहले बृहत पाराशर होास्त्र में या बृहत जातक में यही लिखा है कि पांचवें भाव से हम देखते हैं मंत्री पद तो लोगों को अक्सर यही आता है कि मंत्री पद देखते हैं क्या मंत्री बन... मंत्री बनने वाला होता है नहीं मंत्री पद का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसका पांचवा भाव मजबूत हो वो इंसान बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाता है और उसे राजा की कृपा मिलती है पांचवा भाव राजा की कृपा का भाव भी होता है अगर आप पढ़ेंगे राजा की कृपा मिलती है मीन्स राजा तो उस समय राजा होता था आज की डेट में गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ उसकी कृपा मिलती है तीसरे स्थान पर नज़र डाल लीजिए एक बार हल्की सी क्योंकि पराक्रम का स्थान है तो पराक्रमी होना तो जरूरी है राजनीति में एक बार हार गए दूसरी बार के लिए फिर आप दोबारा से लग गए दो बार हार गए तीसरी बार के लिए आप दोबारा तीसरी बार लग गए जैसे अखिलेश यादव जी हैं तो तीसरा स्थान का जरूर बलवान बलवान होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्ले कर रोल प्ले करती हैं अगर नहीं है तीसरा स्थान बलवान ठीक है आपने एक बार लड़े दूसरी बार छोड़ देते हैं यार छोड़ो जीते तो है नहीं क्या फायदा तो ये सब चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है छठा स्थान भी आप देख लीजिए कि छठा स्थान भी उसका मजबूत है या नहीं है क्योंकि तो छठा स्थान संघर्ष का स्थान होता है तो छठा स्थान अगर मजबूत है वहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं शुभ ग्रह की दृष्टि है और छठे स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान संघर्ष का सामना आसानी से कर पाता है और अपने उभरे हुए शत्रुओं का सामना कर लेता है छठे स्थान से क्या देखते हैं रोग ऋण शत्रु अगर वो मजबूत है तो ऐसा इंसान संघर्ष करने में आसानी से पार का पा जाएगा और शत्रुओं का सामना कर लेगा तो छठा स्थान भी पे नजर डाल लीजिए ग्रह अब कौन से ग्रह देखने हैं देखिए सूर्य को देखना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार का कारक होता है सूर्य मान सम्मान का कारक होता है सूर्य आत्मा का कारक है आत्मविश्वास का कारक है और राजनेता को अगर मान सम्मान चाहिए ऐसा पोस्ट चाहिए जहां मान सम्मान मिले उसको ऐसे भी राजनेता होते हैं जिनको खूब गालियां पड़ती रहती हैं लेकिन राजनेता हैं ठीक है बट उन्हें अगर मान सम्मान चाहिए तो उसके लिए उनका सूर्य भी ठीक होना जरूरी है कमजोर ना हो सूर्य बहुत कहने का मतलब यह है चंद्रमा की तो हम लोगों ने बात की कि चंद्रमा नेता के केस में मज, मजबूत थोड़ा ठीक रहना चाहिए बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए नहीं तो ऐसा आदमी बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा और जरासी बात से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा मंगल अच्छा होना चाहिए मतलब मंगल बहुत बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि मंगल लॉजिकल बात करता है तार्किक बात करता है तो ऐसा व्यक्ति तर्क में अच्छा होता है और राजनीति में तर्क की बहुत जरूरत पड़ती है एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है आपने देखा होगा कितने प्रोग्रामी पर आते रहते हैं एक तरफ एक पार्टी के बैठ जाते हैं दूसरे दूसरी पार्टी भी आते हैं और एक तर्क वितर्क चलता रहता है तर्क वितर्क भी है क्या तर्क उतर्क भी चलता रहता है उसके अंदर तो वो सब चीजें मंगल से आती हैं मंगल जो है आपको अच्छा तार्किक वक्ता बनाता है बुद्ध बुद्धि का कारक है तो बुद्धि के बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं रख सकते तो बुद्धि भी आपकी आवश्यकता है तो बुद्ध को भी देख लेना चाहिए ग्रह तो सारे ही देख लीजिए करीब करीब वो सभी ग्रह रोल प्ले करते हैं अगर ये आपके नौ ग्रहों में से अः पांच छह ग्रह ठीक ठाक हैं पांच ग्रह भी ठीक ठाक हैं तो आप कहिए कि आप अच्छे नेता बन सकते हैं ग्रह सारे क्यों देखने हैं मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये कि बुद्ध बुद्धि का कारक है तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है नेतागिरी करने के लिए सोचने समझने की शक्ति चाहिए गुरु सुख का संतोष का और समझदारी का कारक है तो आप एक नेता बनेंगे एक सलाहकार बनेंगे एडवाइजर बनेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि गुरु भी आपका ठीक ठाक हो शुक्र आपको मान सम्मान और ऐश्वर्य दिलवाता है तो अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपको मान सम्मान मिलेगा ऐश्वर्य मिलेगा नहीं शुक्र अच्छा है तो आपको ठीक है आप नेतागिरी कर रहे हैं लेकिन आपको वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा वो ऐश्वर्य नहीं मिल पाएगा शनि तो कर्म का कारक होता है आप जानते ही हैं तो शनि का बलवान होना भी आवश्यक होता है कि शनि भी अगर ठीक ठाक है आपका तो आप आराम से हार्ड वर्क करते रहेंगे और कंटिन्यूस वर्क करते रहेंगे राहु अगर राहु आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा है या लाभ भाव में बैठा है तो भी अच्छा है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अच्छी योजनाओं में बनाने में निपुण होता है राहु आपका लगन में बैठा हो या केंद्रित्रिकोण में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो तो उसके लिए जरूरी है नेतागिरी के लिए ये क्योंकि तो नेता में राजनीति में योजनाएं बहुत बनती हैं कैसी योजनाएं बनती हैं हर तरह की योजनाएं बनती हैं कूटनीति बनती हैं राजनीतिक योजनाएं बनती हैं किसी को हराने की योजना बनती है किसी से जीतने की योजना बनती है किसी पॉलिसी को लाने की योजना बनती है तो योजना तो बनती है तो हर तरह की योजना में कुशल जो हो वो राहु होता है तो राहु को भी देख लेना चाहिए कि राहु आठवें बारहवें भाव में ना हो सिमिलरली केतु केतु क्या है केतु को झंडा कहा गया है केतु का एक नाम झंडा भी है उपमा है झंडा उसके वो झंडा क्या है कि झंडा जहां आपने लगा दिया वही का वही हो गया तो जो केतु है वो दल बदलू नहीं है राहु दल बदलू होता है राहु वाले दल बदल देते हैं केतु वाले दल नहीं बदलते कई नेता आपने देखे होंगे मैं नाम भूल रहा हूँ अभी बिहार में एक नेता है जो लालू यादव की पार्टी जी के साथ है और वो उन्हीं के साथ चले आ रहे हैं और वो इतने अच्छे नेता हैं कि उनकी डिमांड बहुत है अगर वो किसी पार्टी में आ जाएं तो उनको बहुत अच्छा पद मिल सकता है लेकिन वो उस पार्टी में से निकलने को तैयार नहीं है लालू यादव जी की पार्टी से जबकि वहां वो ना सत्ता में है ना कुछ है नीतीश कुमार जी नहीं नीतीश कुमार नहीं है वो कोई दूसरे नेता है मैं नाम बताऊंगा आपको किस अगली क्लास में बताऊंगा आपको, वो लालू यादव जी की पार्टी में नीतीश कुमार तो मंत्री है वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है वो बेचारे कुछ भी नहीं है सिर्फ सिंपली एक एमपी है जो अपने प्रदेश से जीते हैं और उनको बहुत लोग बुलाने के चक्कर में हैं कि भाई आप हमारी पार्टी में शामिल जाओ तो हम आपको मंत्री पद की शपथ देंगे वो क्यों क्योंकि केतु उनका स्ट्रांग है ऐसे आदमी केतु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो केतु किसी का स्ट्रांग होता है तो ऐसा व्यक्ति दल नहीं बदलता किसी अगर एक पार्टी के साथ हो जाता है तो उस पार्टी के साथ हमेशा अच्छा रहता है तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब नेता का सिलेक्शन करो कि देख लो भैया केतु उसका आठवें बारहवें भाव में तो नहीं बैठा अगर केतु आठवें बारहवें भाव में बैठा तो ये कभी भी दल बदल लेगा लेकिन राजनीति में तो ये सब चीजें चलती रहती हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं आज दल बदलेगा कल दल बदलेगा परसों बदलेगा लेकिन केतु जिनका मजबूत होता है ऐसे इंसान बहुत भरोसेमंद राजनीति के होते हैं और वो आसानी से छोड़ते नहीं ये केतु के लिए तो आपने सभी ग्रहों को देख लिया कि कैसे कैसे हमारे ग्रह के सभी ग्रह हमारे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ इनका उपयोग है तो नौ ग्रहों में से आधे कितने होते हैं साढ़े चार पांच लगा लीजिए अगर पांच ग्रह आपके ठीक ठाक हैं मैं ठीक ठाक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कह रहा तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं आप ही कुंडली में दो ग्रह बली हैं दिग्बली हैं तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं आपकी कुंडली में तीन या तीन से अधिक ग्रह उच्च के हैं या दो या दो से अधिक ग्रह उच्च के स्वराशि के हैं तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं आपका पहला भाव देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको खुद स्ट्रांग होना चाहिए आपका धन भाव देखना भी जरूरी है क्योंकि आपके पास धन भी होना चाहिए नेता बनने के लिए पैसा तो खर्च करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा बहुत कम होता है कि बिना पैसा खर्च किए कुछ हो जाए शायद पॉइंट वन परसेंट होता है है एग्जाम्पल है ऐसा भी छठा भाव आपका मजबूत होना चाहिए संघर्ष करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए तीसरा भाव आपका मजबूत होना चाहिए पराक्रम तो होना चाहिए आपके अंदर प्लस ये ग्रह आपके नौ में से पांच ग्रह आपके ठीक ठाक होने चाहिए तो आप एक अच्छे नेता बनेंगे आप किसी को भी बोल सकते हैं कि हाँ जी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं आप इलेक्शन में खड़े जाओ आपके इलेक्शन में जीत मिलने की संभावना पिताजी आपने आज लास्ट फिर देर से ज्वाइन किया हाँ जी सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार चलो कोई बात नहीं थोड़ा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी देख लेना लेकिन टाइम से थोड़ा ज्वाइन करने की देखो दस बजे का टाइम है दस बजे तक तो हम लोग सब उठ जाते हैं कोई दिक्कत को नहीं है आराम से नहीं सर उठे हुए तो होते हैं एक्चुअली सुबह का टाइम ना कई बार वो। कोई ना कोई आ जाता है तो ये हाँ नहीं समझ जाता हूं मैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हाँ। क्लास uh, चल रही है नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा ठीक है जो भी हाँ। चीज समझ हाँ। नहीं समझ आ रहा है ठीक है, हाँ। है अब एक क्वेश्चन आता है एक एक आदमी के आमदनी के स्रोत एक से ज्यादा हैं वो कैसे पता लगाए किसी आदमी का लग्नेश लगन में हो तीसरे भाव में हो या ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो ऐसे आदमी के चांसेस हैं कि उसका सामग्री का स्रोत एक से ज्यादा होगा वो नौकरी भी कर रहा होगा या बिजनेस भी कर रहा होगा या कोई पार्ट टाइम और भी काम कर रहा होगा ऐसा होता है तो कुंडली से आप देख सकते हैं कोई आदमी कहता है कि जी मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ तो नजर डाल लीजिए कि उसका लग्नेश कहाँ पर है अगर लगन बया है तीसरे भाव में ग्यारहवें भाव में तो आप उसे कह सकते हैं ठीक है भाई आप सफल होंगे कर लीजिए दूसरा आदमी अगर कहता है जी मैं करना चाहता हूँ उसका लग्नेश लगन में नहीं है तीसरे में नहीं है ग्यारहवें भाव में नहीं है कर ले लेकिन उतनी सफलता उसे नहीं मिलेगी जो सफलता जब मिलती जब लग्नेश लगन में हो तीसरे में हो या ग्यारहवें भाव में स्थिति धन व लाभ स्थान में स्पेशली आपके धन भाव में और लाभ भाव में अधिक ग्रहों का प्रभाव हो प्रभाव होने का मतलब यह हुआ कि धन भाव में और लाभ भाव में अधिक ग्रह बैठे हों अधिक ग्रह उनको देख रहे हो मतलब बैठे हुए ग्रह देखने वाले ग्रह अगर धन भाव में ज्यादा हैं या लाभ भाव में ज्यादा हैं तो आप कह सकते हैं कि आप के आमदनी के कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होंगे टोटल मिला के नौ ग्रह हैं नौ ग्रहों में से आप देखते हैं कि पांच ग्रह तो धन भाव में और लाभ भाव में बैठे तो आप कह सकते हो बिल्कुल आप बीच के भैया आपके आमदनी के कई स्रोत होंगे आपकी कई सोर्स ऑफ इनकम होंगी आप कर सकते हैं आप हाथ डालिए हर सोर्स में किसी और स्रोत, स्रोत में भी तो आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आपके धन में और लाभ स्थान में पांच ग्रह या उससे अधिक ग्रह बैठे हैं दशमेश एकादश में स्थित हो और गुरु से ग्रस्त हो यह भी एक नियम है कि दशम भाव का स्वामी टेंथ लॉर्ड ग्यारहवें भाव में चला जाए लॉर्ड लाभ भाव में चला जाए और गुरु से ग्रस्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी उसकी भी कई सारे सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। टेंथ लॉर्ड गुरु एवं भाग्येश टेंथ लॉर्ड बृहस्पति और नाइन्थ लॉर्ड इन तीनों की युति अगर लाभ भाव में हो या धन स्थान में हो या दशमेश और भाग्येश की युति लाभ स्थान और धन स्थान में हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी आप उससे कहेंगे कि आपके भी आमदनी के कई स्रोत होंगे ये कुछ नियम है कि आमदनी के स्रोत एक से अधिक होना एक से अधिक होने के स्रोत तो मिल सकते हैं आपको कुंडली में बहुत लोगों की कुंडली मिल सकते हैं जो एक से अधिक इनकम कर रहे हैं लेकिन अगर ये योग बनते हैं कुंडली के अंदर तो ऐसा इंसान बहुत सफल है बाकी लोग सफल नहीं हो पाते कर लोगे साल भर करोगे डेढ़ साल करोगे दो साल करोगे फिर हाथ खाली करके बैठ जाओगे यार छोड़ यार कौन चक्कर पड़े एक ही नौकरी बहुत है अपनी तो। नहीं हो रहा तो लग्नेश लगन में हो तीसरे में हो ग्यारहवे में हो धन व लाभ स्थान में अधिक ग्रहों का प्रभाव हो कम से कम नौ ग्रह में से पांच ग्रह का प्रभाव धन व लाभ स्थान में हो वो प्रभाव कोई भी हो सकता है चाहे वहां बैठे हो चाहे वहां देख रहे हो दशमेश ग्यारहवें भाव में गया हो और गुरु से ग्रस्त हो तो ये कुछ नियम है जो बताते हैं कि आपका डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है सर इसमें एक क्वेश्चन कर सकती हूं हाँ बिल्कुल करो सर जैसे अगर कई ग्रह किसी भाव में होते हैं तो वो षष्टेष्ट भी होते हैं अष्टमेश भी होते हैं हाँ तो जैसे अगर दूसरे भाव में काफी सारे ग्रह हैं लेकिन उसमें से एक अष्टमेश भी है और तो सर वो तब भी धन देंगे क्या वो तब भी काउंट करेंगे वो तब भी काउंट करेंगे अभी जो जो शास्त्र में नियम दिया है वो ये दिया हुआ है इससे मतलब नहीं है आपका कि वो सस्तेष है या अष्टमेश है या नवमेश है उसमें यह है कि धन में और लाल स्थान में अगर अधिक ग्रह होंगे तो आप पक्का आपके सोर्स ऑफ इनकम अधिक होंगे देखिए हम लोग जब दस पीछे कार्य धारक ग्रह हम लोगों ने निकाला था तो हमने वही निकाला था कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश में से जो मजबूत हो उससे दसवां भाव देखो उसका स्वामी देखो किस नवांश में गया है और उस नवांश के स्वामी के अनुसार हमारा कार्य निर्धारक ग्रह कहलाएगा हो सकता है कि उस स्वामी का निर्धारक हमारा ऐसा ग्रह बन जाए जो हमारे आठवें भाव में बैठा हो सातवें भाव बैठा हो ठीक कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ग्रह तो वही है तो इसी प्रकार इसके अंदर भी है धन भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो अष्टमेश का बैठना धन के लिए नुकसानदायक हो सकता है अष्टमेश अगर धन भाव में चला गया बात ठीक है आपकी तो धन के लिए धन में रुकावट पैदा कर सकता है वो धन आएगा बहुत जल्दी निकल जाएगा या धन जमा नहीं हो पाएगा क्योंकि तो दूसरा भाव धन जमा का होता है वो चीज तो होगी लेकिन आपकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है अगर आपके धन भाव में और लाभ भाव में अधिक ग्रहों का प्रभाव है नौ में से पांच ग्रहों का प्रभाव अगर धन भाव में और लाभ भाव में है तो अधिक इनकम होगी उसमें वहां भूल जाइए कि वो क्या है नब्बे से में से ठीक है पंकज तुमने भी बहुत लेट कर लिया आज पर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ओ मैं माइंड स्किप हो गया मेरा ना आज क्लास का तो आज थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में चलो कोई नहीं रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग

हाँ जी सरी सरी में क्लास होती है तो ध्यान रखना ही रखना है आपको कोशिश करेंगे कि हम शनिवार को भेजें होता होता है है कई बार क्या होता है ना कि मान लिया पहले बिजनेस होता है कि आपके पास पहले से प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ होता है अगर मैं आपको मान लिया सुबह शनिवार को दो घंटे पहले या तीन घंटे पहले लिंक भेजूं तो आप सारा दिन तो लगे रहेंगे फिर मैं शनिवार को दो घंटे पहले लिंक भेज दूं कि जी आज मीटिंग नहीं होगी तो आप कहेंगे सर आपने सुबह से नहीं बताया तो हम लोग कहीं चले जाते अच्छा हाँ जी सही बात भी ठीक है ठीक है ना तो हाँ इसलिए एक आध दिन पहले जाने से ये रहता है कि भाई चला गया लिंक ध्यान रहेगी है। है जितनी सुविधा होती है ना उतना ज्यादा आदमी लापरवाह जाता है हाँ वो, वो तो... गर मिल जाएगी तो थोड़ा सा ना रिलैक्स माइंड रहता है बिल्कुल बिल्कुल तो वो वही करना बहुत आवश्यक है उसका ध्यान रखना तो हम आज एक और पढ़ लेते हैं कि दशमेश का संबंध टेंथ लॉर्ड का संबंध अगर अन्य भावों से हो तो कैसे कैरियर बताते हैं आज हमने पढ़ा प्रमोशन के बारे में ट्रांसफर के बारे में डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अब दशमेश का संबंध अन्य भावों से लग्नेश और दशमेश का लग्नेश संबंध बन जाए संबंध का मतलब क्या होता है तीन तरह के संबंध युवती संबंध दृष्टि संबंध क्षेत्र परिवर्तन संबंध दशमेश लग्नेश लगन में चला जाए लगन लग्नेश दशम में आ जाए वो संबंध बन गया दशमेश और लग्नेश यानी टेंथ लॉर्ड और लगन का लॉर्ड एक दूसरे को देखते हो वो संबंध बन गया टेंथ लॉर्ड और लगन का लॉर्ड एक साथ बैठे हो वो भी संबंध बन गया तो टेंथ लॉर्ड और लगन का लॉर्ड अगर एक साथ बैठे हैं संबंध बनता है उनमें तो ऐसा आदमी अपना बिजनेस करने की कोशिश करता है स्वरोजगार रोजगार करता है व्यापार करता है सामाजिक कार्य करता है राजनीतिक कार्य करता है इस तरह के कामों में ज्यादा बिजी रहता है यदि टेंथ लॉर्ड का संबंध दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए कहीं ना कहीं टेंथ लॉर्ड आपका किसी ग्रह के साथ बैठा होगा तो चेक कीजिए कि किस भाव के स्वामी के साथ बैठा है या किस भाव का स्वामी उसको देख रहा है और वो किस भाव के स्वामी को देख रहा है वो चेक कीजिए उससे भी आपका आइडिया लगता है तो लग्नेश का दस, दस टेंथ लॉर्ड का अगर सेकंड लॉर्ड से संबंध बन जाता है तो ऐसा आदमी पारिवारिक व्यवसाय करता है दस, दूसरा भाव जो है पारिवारिक परिवार का भाव भी होता है धन का लेन देन करता है खान पान से संबंधित कार्य करता है क्योंकि दूसरे भाव से खाना पीना भी देखते हैं तो रेस्टोरेंट वगैरह बनेगा उसका या जो भी होटल्स वगैरह बनेंगे उसके ऐसा काम करता है वाणी एम गले से संबंधित कार्य करता है जैसे गाना वाना गाना क्योंकि दूसरे भाव से वाणी भी देखते हैं तो टेंथ लौर का संबंध अगर दूसरे भाव से हो जाता है तो ऐसा आदमी अच्छा गायकार बन सकता है पारिवारिक व्यवसाय कर सकता है अपना दूसरा भाव जो है आपका धन का भाव भी है जमा का जमा धन का भाव भी है तो फाइनेंस से संबंधित कार्य भी अच्छा कर सकता है तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके टेंथ लड़ौड़ का संबंध किससे बन रहा है टेंथ लॉर्ड किस भाव को किस ग्रह को दृष्टि दे रहा है किस भाव को टेंथ लॉर्ड कहाँ गया है आपका या टेंथ लॉर्ड किस भाव से क्षेत्र परिवर्तन कर रहा है आपका इसी प्रकार लॉर्ड का और तीसरे भाव के स्वामी का संबंध बन जाए थर्ड भाव के स्वामी का तो थर्ड भाव खेलकूद का भाव होता है शिल्प कला का भाव होता है एक्स्ट्रा क्योरिकुलर एक्टिविटीज का भाव होता है तो ऐसा इंसान खेलकूद में बहुत आगे जाता है कलाकार बनता है शिल्प कला में बहुत प्रवीण बनता है प्रिंट मीडिया वगैरह का भी भाव होता है तीसरा भाव तो प्रिंट मीडिया वगैरह में अंदर भी बहुत अच्छा जाता है तीसरा भाव छोटी मोटी जर्नी का भाव भी होता है तो ट्रैवल एजेंसी का भी चांस होते हैं कि ऐसे आदमी ट्रैवल एजेंसी भी बहुत अच्छी खोल सकता है और वो चला सकता है जिसका दशम भाव टेंथ लॉर्ड और तीसरे भाव के स्वामी का संबंध हो टेंथ लॉर्ड और चौथे भाव का स्वामी का संबंध हो तब क्या होगा चौथे भाव से हम लोग क्या देखते हैं भवन निर्माण गाड़ियां जनता देखते हैं चौथे भाव से तो राजनीति भी आता है चौथे भाव से क्योंकि जनता का भाव होता है चौथा भाव तो ऐसे कार्य करेगा वो भवन निर्माण का कार्य करेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का में काम करेगा क्योंकि भवन का काम भी होता है या वाहनों का डीलर बन जाएगा गाड़ियों का डीलर होते हैं ना जैसे गाड़ियां हैं कार हैं उनके डीलर बन जाएगा क्योंकि कार का भी वाहन का भाव भी चौथा भाव ही होता है तो चौथे भाव से संबंध जिन चीजों का होता है भूमि खेती का कार्य भी चौथे भाव से देखते हैं खेती भी आपकी एग्रीकल्चर में तो खेती कार्य करने में बहुत प्रवीण होगा वो आदमी अगर टेंथ लॉर्ड का संबंध फोर्थ लॉर्ड से हो जाए दोनों आपस में साथ बैठ जाएं या दोनों एक दूसरे को देखें या दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लें गाड़ी से संबंधित कार्य पोषण के कार्य हॉस्पिटलिटी के कार्य जो भी चौथे भाव से चीज देखते हैं उन संबंधित कार्य आप करेंगे टेंथ लॉर्ड का संबंध होने पर सिंपल से सिद्धांत यह है कि टेंथ लॉर्ड का संबंध किसी भी भाव से हो जाए तो उस भाव से जो भी कार्य देखे जाते हैं तो उस भाव से संबंधित कार्य आप करेंगे और आपको अच्छी सफलता मिलेगी दशमेश व पंचमेश का संबंध हो जाएगा टेंथ लॉर्ड और पांचवें भाव का संबंध हो जाए पंचमेश भाव जो है हायर एजुकेशन का भाव है संतान का भाव है राजा का मंत्री पद का भाव है तो ऐसा आदमी प्रशासन में बड़े व्यवसाय में शिक्षा में बहुत सफल होता है कंसल्टेंसी में अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आज ये आप नोट कर लीजिए कि सातवें भाव से बिजनेस देखते हैं पांचवें भाव से बड़ा बिजनेस देखते हैं वो इसलिए पांचवा भाव आपके प्रारब्ध का भाव है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है अगर पांचवा भाव आपका मजबूत है बिजनेसमैन तो बहुत लोग बन जाते हैं सौ करोड़ दो सौ करोड़ तीन सौ करोड़ चार सौ करोड़ इस तरह के बिजनेसमैन तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन अंबानी जैसे बिजनेसमैन आपको कमी मिलेंगे ये सब लोग दस बारह पंद्रह बीस बिजनेसमैन ऐसे हैं वर्ल्ड में जो टॉप क्लास है तो इन लोगों का कुंडली उठाएगा आप देखिए इनका पांचवा भाव भी आपको मजबूत मिलेगा क्योंकि बड़े बिजनेस के लिए पांचवा भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं जिनका दसमी और पंचमी का संबंध हो हायर एजुकेशन का भाव है तो बहुत अच्छे प्रोफेसर और टीचर बन सकते हैं संतान का भाव है तो चाइल्ड केयर में बहुत आगे जा सकते हैं ये लोग बड़े व्यवसाय कर सकते हैं कंसल्टेंसी कर सकते हैं पांचवा भाव ज्योतिष जो, का भी होता है कि वहां गुरु वगैरह आ जाए तो ज्योतिष भी होता है तो ज्योतिष भी बन सकते हैं बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं और पांचवा भाव आपका शेयर का लॉटरी का भाव भी होता है तो ऐसे लोग बहुत बड़े शेयर मार्केट के क्या कहते हैं दलाल बन सकते हैं अगर दसवें और पंचमेश का संबंध हो जाए और दसमेश और सस्ते का संबंध हो जाए तब क्या होगा जी अब दो चीजें हैं कि दसमेश और सस्तेस का संबंध अगर आपका हो जाए टेंथ लॉर्ड का और छठे लॉर्ड का संबंध हो जाए दोनों दूसरे को देखते हों या दोनों दूसरे के साथ बैठे हों या दोनों ने क्षेत्र परिवर्तन कर लिया हो तो ऐसे में वो इंसान छठे भाव का किस क्या देखते हैं रोग ऋण शत्रु अस्त्र शस्त्र तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जाता है न्याय के क्षेत्र में क्योंकि जितनी भी लीगल चीजें हैं हम लोग छठे भाव से देखते हैं तो दशम भाव का अगर छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध हो अब गीता बोलेगी कि छठा भाव का स्वामी तो गड़बड़ होता है उसका संबंध तो जिस भाव जिस ग्रह से होगा उस ग्रह कारकत्व में हानि करेगा बिल्कुल ठीक है वो तो हो करेगा करेगा छठे भाव का स्वामी या भाव 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 का का स्वामी का स्वामी जिस भी भाव में जाएंगे उस की हानि करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है और जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के कारकत्व की भी हानि करेंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या कैरियर बनाने हैं किस कैरियर में हम लोगों को जाना है तो वो देखने के लिए उसमें आपको भूलना होगा कि ये छठे भाव का स्वामी है तो ये हमारे कार्यकत्व का नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है टेंथ लॉर्ड के साथ अगर छठे भाव का स्वामी आ गया संबंध हो गया उसका तो ऐसा आदमी चिकित्सा के क्षेत्र में क्योंकि रोग इससे देखते हैं न्याय के क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र वाली कंपनी के क्षेत्र में ऋण देने वाली फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उनके, उनके उनके अंदर वकालत वाली चीजों में लीगल जितनी कंपनीज होती हैं उनके अंदर बहुत तरक्की कर सकता है दसमेश और का संबंध अगर हो और दशम भाव और सप्तम भाव का संबंध हो आप में से कोई लोग सोचो अगर दसवें भाव का और सातवें भाव के स्वामी का संबंध बन जाए तो क्या कर सकता है सर सातवें भाव से संबंधित कुछ चीज सोचो वाइफ, वाइफ के साथ कुछ बिजनेस वगैरह पार्टनर का ये विदेश से कुछ काम उनका क्योंकि हाँ। विदेश को भी दिखाता है सब हाँ। सातवें बाप से मैरिज भी देखते हैं तो कोई मैरिज ब्यूरो भी खोल सकता है वो बहुत बड़ा टूर एंड तो भी हाँ कर सकता है सातवें भाव से जो चीज देखते हैं वो आप कर सकते हैं उसके अंदर दशम का और देखिए अब, अब मैं आपको दिखाता हूं अभी वो एक एक भाव का और हम कर लेते हैं दशम से दशम और अष्टम भाव का भाव भाव और आठवें का संबंध अगर हो जाए आठवें भाव से आप क्या देखते हैं सोचिए जरा तो रिस, रिसर्च अकाउल्ट साइंस है रिसर्च रिसर्च सीक्रेट चीजें हैं जो हाँ सीक्रेट हाँ सब मेडिकल से रिलेटेड भी होता है ना आठवीं इस से इससे रिलेटेड मेडिसिन नहीं नहीं मेडिसिन तो छठे बार सी आ जाएगी आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल होते हैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी उदाई उदाई, उदाई माइनिंग माइनिंग जो होते हैं ये सब आठवें बार से बिल्कुल ठीक बात है एकदम सही आप लोग जा रहे हैं समझ गए मेरा कहने का मतलब ये है ये अच्छा है कि आपको सबको समझ में आ रहा है आठवें छठे भाव से सातवें भाव से संबंध क्या कर सकता है कि इंसान व्यवसाय कर सकता है सातवें भाव से व्यवसाय भी देखते विदेश में भी कर सकता है विदेश से व्यवसाय भी कर सकता है टूर एवं ट्रेवल का कार्य भी कर सकता है किसी ने कहा था शायद मनीषा ने कहा था मेरे ख्याल से विवाह संबंधी कार्य भी कर सकता है वो मैरिज ब्यूरो कार्य कर सकता है ऐसी चीज का कर सकता है कि अगर कश्मीर सबके भी संबंध हो जाए तो ये कार्य करेगा तो बहुत सफलता मिलेगी उसको इवेंट तो मैनेजमेंट भी कर सकता हैल होते हैं वो सब भी वो सब भी कर सकता है तो जो भी चीज सातवें बाद संबंधित है अगर उसका संबंध लॉर्ड से हो जाता है तो आप उसको पकड़ के बैठ जाइए कि भैया ये काम कर तू और तू बहुत सफलता मिलेगी तुझे दसवेंगे सर सिर्फ सिर्फ जो प्लेनेट की जो है दसवें भावी दृष्टि हो और डायरेक्ट लिंक ना बनता हो तो उस केस में जैसे फोर्थ हाउस में सर कुछ स्वामी है, जैसे मेरे में मंगल बनता है। और मंगल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता है तो इफेक्ट करे ये इम्पेक्ट करेगा करे सर नहीं डायरेक्ट कनेक्शन करना जरूरी है तीन तरह के संबंध वैसे चार तरह के संबंध होते हैं मैं बताता हूँ आपको एक कनेक्शन तो होता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं टेंथ लॉर्ड भी और मान लिया का और आपका चौथे भाव का संबंध है सपोज कीजिए तो लॉर्ड और चौथे भाव का स्वामी एक दूसरे को देखते हैं या तो या एक दूसरे के साथ बैठे हैं देखते हूँ एक दूसरे को एक साथ बैठे हैं या दोनों ने एक दूसरे का क्षेत्र परिवर्तन कर लिया हो मतलब एक इसमें आ गया चौथे भाव का स्वामी में 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 चला गया एक राशि राशि चले चले गए दूसरे की गए या एक होता है स्थिति दृष्टि संबंध के चौथा भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उसको उस राशि का स्वामी देखता हो यह चौथा संबंध होता है मैंने चौथा संबंध इसलिए आपको बताया था कि इसमें ढूंढने में, में मुश्किल पड़ेगी आपको या दशम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो उसको उस राशि का स्वामी देखता हो तो वो भी संबंध बन जाता है तो चार संबंध होते हैं वैसे बट तीन संबंध तो आप मेन मेन याद रखिए तो चौथा संबंध हो सकता है कि आपकी कुंडली बन रहा हो तो उसके हिसाब से भी आप बन सकते हैं तो वो भी चेक करके आप देखिए सर भाव को नहीं देखना है मतलब जैसे दशमेश और चतुर्थेश दोनों चौथे भाव में बैठे हों या दोनों हाँ, और हाँ, हाँ भाव में बिल्कुल देखिए संबंध है ना युति भी संबंध है ना मैंने बताया था कि तीन तरह के संबंध तो है युति या तो साथ बैठे हूँ कहीं भी बैठे हूं साथ उससे कुछ लेना देना नहीं है दसमेश और चतुर्थेश अगर साथ में कहीं भी बैठे हैं तो दशम चतुर का चतुर्थ का संबंध हो गया चाहे वो छठे भाव में बैठे हैं चाहे आठवें में बैठे हैं या बारहवें बैठे हैं चाहे तीसरे में दूसरे में उनका संबंध बन गया क्योंकि वो दोनों साथ बैठे हैं साथ बनने से संबंध बनता है या दोनों दूसरे को देख रहे हैं या दोनों ने दूसरे के भाव में चले गए अब दशम से अष्टम वाले कार्य जो हैं वही सब हैं जैसे पंकज ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल वाले कार्य जो हैं खनन से कार्य है माइनिंग रिलेटेड कार्य है ऑयल आदि कार्य हैं शोध के कार्य हैं जितने भी हमारे रिसर्च के कार्य होते हैं कन्वेंशन के कार्य हैं गुप्त कार्य हैं जितने भी हैं जैसे सीबीआई है रॉ है ऐसी चीजों में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसमें दशम और अष्टम भाव का स्वामी का संबंध हो जाए एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं जादू के कार्य ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं पोस्टमार्टम और मोर्चरी वगैरह डाले डॉक्टर भी ये लोग बन सकते हैं दशमेश का और का संबंध अगर हो जाए तो नवम भाव का यानी टेंथ लॉर्ड का नाइन्थ लॉर्ड का संबंध अगर हो तो ऐसा इंसान बहुत धार्मिक होता है धार्मिक संस्था से जुड़ सकता है सेवा करने में बहुत आगे रहता है एनजीओ चला सकता है आश्रम चला सकता है मंदिर चलवा सकता है वृद्धाश्रम चलाएगा पैतृक व्यवसाय करेगा धार्मिक शिक्षा देगा ऐसा व्यक्ति इस तरह का बनता है दशमेश का दशम से ही संबंध हो मतलब दशमेश का स्व स्थान का संबंध अगर है दशम दशम भाव में ही बैठा है तो जितने भी अधिकार प्रसिद्धि कार्य हैं, अनुशासन वाले कार्य हैं समाज सुधारक वाले कार्य हैं, स्वरोजगार है ये आदमी बहुत अच्छे कर सकता है अपना कोई भी बिजनेस ये चाहे तो कर सकता है दशमेश का एकादश से संबंध हो दशम भाव का स्वामी टेंथ लॉर्ड और इलेवंथ लॉर्ड का संबंध हो तो अलेवेंथ से जो भी भाव देख जो भी राज्य देखते हैं वो काम कर सकते हो आप अलेवंथ से आपको यह बता दूं मैं कि आप जितने भी अंतरिक्ष वाले कार्य हैं वो अलेवंथ भाव से देखे जाते हैं क्योंकि अलेवंथ भाव बृहस्पति के उसका कारक होता है बृहस्पति आकाश तत्व का कारक तो अलेवन भाव को स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि आप उससे अंतरिक्ष में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे कार्य भी आप दशम और एकादश के संबंध से देखे जाते हैं और इंडस्ट्रियल कार्य भी आप उसके साथ देखते हैं तो दशम से एकादश से एकादश से, से, से आप और क्या कार्य देखते हैं ग्यारवा भाव जो होता है आपका भाव होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का तो अगर आप की कुंडली में दसवें भाव का और ग्यारहवें भाव का संबंध है स्वामी का तो आप किसी भी फॉरेन कंपनी से अगर जॉइंट वेंचर कर लेंगे या फॉरेन कंपनी से कोलोबरेशन कर लेंगे तो आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट सक्सेस मिलेगी इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है दशम का, का और द्वादशेष का संबंध अगर बन जाए टेंथ लॉर्ड का और ट्वेल्थ लॉर्ड का संबंध अगर बन जाए कि दशम दशम द्वादेश भाव जो है वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर का भाव होता है जेल से संबंधित कार्यों का भाव होता है जेल भी ट्वेल्थ भाव से देखते हैं तो एक अच्छे जेलर बन सकते हैं आप आप अस्पताल के सभी कार्य कर सकते हैं चाहे वहां पे आप एक्सरे टेक्नीशियन हों या लैब टेक्नीशियन हो या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो आप वहां पे वाले से संबंधित कार्य कर सकते हैं चाहे वहां पे आप पेशकार होते हैं जो बुलाते हैं जो नंबर लगाते हैं उस तरीके से विदेश से संबंधित कार्य कर सकते हैं क्योंकि द्वादेश द्वादश भाव जो होता है और विदेश का भाव होता है चिकित्सा से भी काम कर सकते हैं क्योंकि अस्पताल के सभी कार्य हैं तो चिकित्सा और सर्जन वगैरह भी इसमें देख सकते हैं आप तो इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं उस भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो काम भी आप कर सकते हैं अगर दशम भाव का और द्वादश भाव का संबंध आपका बन जाए तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कुंडली में कि आपके दशम भाव का संबंध किससे सर एक आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे जैसे वेबसाइट बनाई या कुछ अपना ऐसा कुछ बना लिया उसके लिए वो फंड फंड उठाते हैं हुँ. अगर फंड मिल जाए तो मतलब उनका बिजनेस चलता है हुँ. सर वो किस कैटेगरी में आएगा किस तरीके से कनेक्शन आना चाहिए उसमें कि उन्हें फंड फंड करवा लेते हैं वो दो, दो चार करोड़ का उसके बेसिस पे उनका बिजनेस चल गया तो ठीक है मतलब तो नहीं तो उनके पास पैसा आ ही जाता है वो इस तरह दसवें और दूसरे भाव का संबंध अगर बन जाए ना आपका जी अपना स्टार्टअप तो अपना हाँ, स्टार्टअप अप। या दसवें हाँ या आप दसवें भाव का स्वामी दसवें भाव में ही हो लेकिन पैसा दूसरों से लेते हैं लिए जाए, तो ऐसा इंसान भाव, भाव तो वो दूसरों से पैसा लेके परिवार से पैसा लेके दूसरों से पैसा लेके ले आगे बढ़ सकते हैं अगर टेंथ लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड से संबंध हो तो ऐसा इंसान दूसरों से पैसा लेके परिवार से पैसा लेके आगे बढ़ेगा तो सफलता उसको मिलेगी हंड्रेड परसेंट मुझे लग रहा था छठे से या फिर के कोई दूसरों का धन है मतलब परिवार का नहीं जैसे भाव से संबंध भी, भी आप ले सकते हो क्योंकि बेसिकली तो क्या है देखिए शेयर निकाल लिया मार्केट में या कुछ कर लिया आईपीओ निकाल लिया और दूसरी जगह से धन इकट्ठा किया और आपने ले लिया ठीक है ना क्योंकि अब होता क्या दूसरा धन पहले तो परिवार का धन ही बोलते थे कि भाई दूसरे धन ले लिया परिवार से धन ले लिया तो दूसरा भाव इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था चौथा भाव है जनता का भाव है चौथे भाव का इन्वॉल्वमेंट भी आप दसवे भाव में लगा सकते हो क्योंकि जनता का धन आपने ले लिया वहां से जनता का धन कौन सा हुआ चौथे भाव से दूसरा जी जी ठीक है तो उस भाव से संबंध भी आप लगा सकते हो आप जनता का धन अगर ले रहे हो आप अगर परिवार से धन ले रहे हो अपने तो सेकंड का कलेक्शन देख लो आप जनता से धन ले रहे हो तो छठे का कनेक्शन देख लो जी जी सर धन हो गया ठीक है ना तो ऐसे करके आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा अगर कनेक्शन बनता है तो आप कह सकते हो भी ले लो और तुम्हें सफलता मिलेगी लेने को तो बहुत लोग ले सकते हैं लेते हैं और काम भी करते रहते हैं लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिल पाती जब तक कि वो कुंडली में ग्रहों का ऐसा योग ना बनता हो सबको मिलता भी नहीं है सबको मिलता भी नहीं बिल्कुल सबको मिलता भी नहीं है और पूछिए आज यहाँ तक रखते हैं कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग स्वरोजगार और व्यापार वगैरह सब पढ़ेंगे आगे इसके बाद स्वरोजगार व्यापार है फिर हमारा ठहरे क्षेत्र में आपका नाम होगा या नहीं होगा अभी तो बहुत पड़ा हुआ है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है बहुत पड़ा हुआ है अभी इसमें प्रोफेशन क्लास काफी लंबी क्लास थी तो इसलिए ये देखना है तो यहाँ तक किसी की कोई समस्या हो तो ठीक है नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए रिकॉर्डिंग देख के नेक्स्ट क्लास में हम पहले पाँच सात मिनट के लिए या दस मिनट के लिए वो कर सकते हैं कि हम आपस में डिस्कस कर लें कोई पीछे की कर किसी की कोई संदेह हो दो संदेह इसके अलावा कोई और चीज आपने वैसी अपनी समस्या पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी या आउट ऑफ कोर्स भी अभी पाँच सात मिनट है हमारे पास सर मुझे पूछना था हाँ पूछे था। आ, सर मेरे को अपना ट्रांसफर का ही पूछना था सर हाँ आ, तो कुंडली बनानी पड़ेगी सर उसके लिए एक सेकेंड

हाँ। आ, नहीं सर ये वाली तो, नहीं है सर ग्यारह जनवरी उन्नीस सौ उन्नासी एट्टी है सर अरे नवासी बोलो ना भाई आ, नहीं सर अस्सी है सॉरी सर मैं क्या जो मार्कशीट में लिखा था ना वही डेट आपको बता दी रियल हाँ। में एट्टी है सर नहीं तो ग्यारह जनवरी एट्टी नाइन डालू क्या डालू हाँ जी सर जी सर क्या सभी डॉक्यूमेंट में यही डेटा बरत रहे तो वही याद थी मुझे एटी डालना है हाँ जी सर एटी डालना है सर एटी डालना है ना हाँ मुझे क्या याद ही नहीं आ रहा था सभी डॉक्यूमेंट में ना 79 है तो अच्छा एटी ठीक है जी सर जी सर, जी सर। आप ठीक है हाँ जी सर हम्म हाँ तो आपका क्या चीज है ट्रांसफर ड्यू है आपका क्या है मतलब ट्रांसफर क्या पूछना है क्वेश्चन आपको हाँ सर जी वही स्थान परिवर्तन कब होगा सर करके अभी हाँ तो मनीषा जी देख के जरा इनका बताओ थोड़ा सा सर शुक्र की दशा चल रही है इनकी शुक्र तीसरा भाव एक्टिव है तो ट्रांसफर तो हो जाएगा शुक्र में सूर्य की दशा है ना हाँ शुक्र ने थर्ड हाउस को एक्टिव किया हुआ है तो थर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा इनका मतलब भी नौ ग्यारह से इनका स्टार्ट हो गया है और ये चलेगी छब्बीस तक और एट्थ और देख लेते हैं अगर इनका एट एक दो तीन चार पांच सात हो रहा है खाली चंद्रमा से एक्टिव हो रहा है सर मतलब क्योंकि चंद्रमा एथ हाउस के लॉर्ड है इस हाँ को, भाव को कोई और ग्रह नहीं देख रहा है हाँ, तो चंद्रमा तो ये इसको जनवरी चौबीस से आने वाली हाँ, तो हाँ, चौबीस तो अगर, अगर की दशा में जनवरी से लेके अप्रैल तक आपका ट्रांसफर हो जाएगा जनवरी तो से अप्रैल के बीच में ट्रांसफर आपका हो जाएगा जी आप कोशिश करना इसके बीच में ही ठीक रहेगा रहेगा क्योंकि इससे पहले फिर खाली थर्ड एक्टिव एक्टिव ना तो आपको थोड़ा नहीं मिलेगा हाउस तो अच्छा कैसे, कैसे हाँ सर आठवें भाव की दशा में ट्रांसफर होता है आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में आठवें भाव को देखने वाले ग्रह दशा में आठवें भाव के स्वामी की दशा में ट्रांसफर होता है तो वो आपका परिवर्तन अच्छा वाला परिवर्तन होता है उसमें आपको आपके सेटिस्फेक्शन जी, जी, तो चंद्रमा की दशा जब आपकी आएगी शनि में शुक्र भी चंद्रमा चंद्रमा आपको आठवा भाव भी एक्टिव कर देगा क्योंकि आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है ना कोई ग्रह देख रहा है इसलिए चंद्रमा रिजल्ट के जी कोई देख रहा होता है ना ग्रह या बैठा हाँ। होता तो उसकी दशा में भी आपका ट्रांसफर होता है लेकिन आपके इस भाव को कोई नहीं देख रहा है हाँ। तो भाव के स्वामी की दशा में आपका ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है और किसी कोई क्वेश्चन है थैंक यू सर ओके okay. सर इसमें एक चीज हो रहा है कि जो शुक्र की दशा चल रही है अंतर दशा शुक्र की है हाँ। तो ये पूरा पीरियड ही ट्रांसफर का चल रहा है पूरा पीरियड इनका ट्रांसफर का है लेकिन इस पीरियड में अगर ये ट्रांसफर इनका होता है ना चंद्रमा से पहले पहले अगर इनका हो जाता है तो उस केस में फिर ये ट्रांसफर होने के चांस तो इनके हैं लेकिन ट्रांसफर इनके मन मुताबिक नहीं होगा मान लिया ये सोच रही है ग्वालियर से दिल्ली हो जाए तो दिल्ली ना हो कहीं और हो जाए और सर ये लाभेश है, ना लाभेश है इनके। हाँ। तो इनके देगा, इनको अच्छा रहेगा प्रमोशन भी होगा और लाभ भी देगा आठवे भाव का स्वामी की दिशा में ड्रांसर होता है तो वो अच्छा होता है तो आज हम हाँ जी? सर आगे मंगल जो मंगल का आ रहा है चंद्र के बाद तो मंगल में इनकी जगह चेंज हो जाएगी जगह चेंज तो मंगल की दिशा में चेंज कर सकते हैं चेंज शुक्र में बन रहा है ना पूरा चेंज का शुक्र तो इनका है ही है शुक्र तो इनका तीसरा भाव एक्टिव कर ही रहा है इनका वो तो काफी टाइम तक चलेगा

तब जगह चेंज कर लेंगे मतलब जाएंगे कब अगर इनका तो वो भी हम देख सकते हैं सिद्धि उसी भाव दशा में भाव सिद्धि कर लीजिए आप नहीं तो उसी दशा के अंदर भी उसी दशा में आपको चेंज करना पड़ेगा जी तो सब भाव सिद्धि कौन से भाव की देखेंगे हम इसमें थर्ड हाउस की जगह जगह चेंज करने के लिए प्रोफेशन टेंथ हाउस की देखते हैं इसके अंदर टेंथ हाउस की भाव सिद्धि आपको भाव सिद्धि के नियम पता है गीता या नहीं हाँ जी हाँ जी सर पता है देखें मैं मैंने आपके वीडियोस अच्छा तो टेंथ बार की देखेंगे वैसे नॉर्मली होता ये है मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफर ऑर्डर भी आना और जॉइन भी करना वो आपका सेम दशा में हो जाता है जी जी सर हाँ मैं यही पूछती ज्वाइन करने के लिए मतलब अगर हम हाँ, हाँ तो चंद्रमा की दशा में इनका अगर ट्रांसफर ऑर्डर आता है और चंद्रशा में ये ज्वाइन कर लेती हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है जी चलिए आज यहाँ तक रखते तो हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे दस बजे ठीक है सर। अच्छा, अच्छा अच्छा एक चीज बताइए के चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं